था। इस बजट में कृषि क्षेत्र के लिए कई घोषणाएं की गई थी। बजट में कहा गया था कि अगले 2 साल में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती में मदद की जाएगी और 1000 बायो रिसर्च सेंटर स्थापित करने की भी योजना है। इससे देश के अंदर जैविक खेती में तेजी आएगी। नीरज सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। उधर गुजरात में बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। गुजरात के कई जिलों में पिछले करीब 1 सप्ताह से मूसलाधार बारिश से कई जिले ऐसे हैं जो बाढ़ जैसे हालात से जूझ रहे हैं। निचले इलाकों से लोगों को निकालने और राहत और बचाव कार्य में एनडीआरएफ और सेना युद्ध स्तर पर काम कर रही है। इस बीच राहत की बात यह है कि चक्रवात असना का असर कम हो रहा है। गुजरात में चक्रवात का खतरा टला, चक्रवात की तीव्रता हुई कम। तूफान को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट पर, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें की गई तैनात। सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी, अगले कुछ दिनों के लिए रेड और येलो अलर्ट जारी। मछुआरों को भी जारी की गई चेतावनी। देश के कई राज्यों में इस समय मानसूनी बारिश जारी है, जिसमें गुजरात सबसे अधिक प्रभावित है। पिछले 3 दिनों में गुजरात में मूसलाधार बारिश ने 25 से अधिक लोगों की जान ले ली है और बाढ़ प्रभावित इलाकों से करीब 17,800 लोगों को बचाया जा चुका है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को गुजरात के अलग अलग हिस्सों में अत्यधिक भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही विभाग ने सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी के साथ ही अगले कुछ दिनों के लिए रेड और येलो अलर्ट जारी किया है। समस्या तो आने जाने में और ये खेतों में समस्या है और घरों में भी पानी भरा, खाने पीने का भी समस्या है, खेतों में भी ज़्यादा नुकसान है। बहुत बारिश हुई है, तकरीबन 20 से 25 इंच बारिश होगी 2 दिनों में। और ये जो पानी आप देख रहे हैं ना, वो 24 घंटों से निरंतर चालू हुई है। अभी 7-8 दिन से दुकानें बंद पड़ी हैं, बिल्कुल ही काम पे जा नहीं पा रहे हैं। और बच्चों के लिए भी अभी जा रहे हैं कुछ देखने के लिए, कुछ सब्जी वगैरह मिल जाए, कुछ दूध की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। मौसम विभाग ने सौराष्ट्र और कच्छ के ऊपर बने गहरे दबाव के शुक्रवार को उत्तर पूर्व अरब सागर के ऊपर चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना जताई थी, लेकिन चक्रवात आसना का असर भी कच्छ की ओर कम हो गया है। इस चक्रवात की तीव्रता कम हो गई है, लेकिन प्रशासन इस चक्रवात के लिए पूरी तरह से तैयार है। कंडला, मुंद्रा और जखौ बंदरगाह पर 3 नंबर सिग्नल लगाए गए हैं और मछुआरों को भी चेतावनी दे दी गई है। चक्रवात आसना का असर आंशिक हो गया है। इस तूफान को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट पर है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं और लोगों को तट के पास न जाने की सलाह दी गई है। संपूर्ण परिस्थिति नियंत्रण पर है। पहला प्रशासन का काम यह था कि जान माल की नुकसान न हो, कोई बंदे की जान न जावे, तो बचाव कामगिरी का पहला हमारा एक स्टेप पूर्ण हो गया आज, क्योंकि पानी कम होने लगा। 24 घंटे तक सभी 118 गाँव में अभी बिजली पहुंचाने का काम शुरू हो गया। जो हेल्थ का, वो भी सभी मेडिसिन और जो दवाएं पीएससी सीएससी सेंटर पर हमने पहुंचा दी है पूर्ण तरह। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद कच्छ जिले के कलेक्टर अमित अरोड़ा ने एक वीडियो संदेश जारी कर अबदासा, मांडवी, लखपत तालुका में रहने वाले लोगों से अपनी झोपड़ियों और कच्चे घरों को छोड़कर किसी स्कूल या अन्य इमारतों में शरण लेने के लिए कहा है। वडोदरा में आई बाढ़ के बाद चारों ओर गंदगी फैल गई है, जिसे साफ करने में दिनों लग सकते हैं और इससे लोगों की सेहत बिगड़ने की भी आशंका है। जिसे देखते हुए सूरत से अतिरिक्त 350 सफाई कर्मियों ने वडोदरा पहुंचकर सफाई की। वडोदरा की सफाई में सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी मदद कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार निर्माण कार्य